हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाए। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिल सके। ये देखो हमारा नया बाइक, पर प्रॉब्लम यह है कि हमको बाइक चलाने का 20 साल का तजुर्बा बिल्कुल नहीं है। हाँ। अरे बाइक चलाना कौन सी बड़ी बात है, घसीटाराम आ जाओ, पहले मैं तुम्हें बाइक के हार्डवेयर के बारे में समझाता हूँ। ओके, ये देखो ये है गियर, और ये रहा हैंडल, ये है टैंक, बूढ़ी बाबा मेरी बाइक को पूरी तोड़ डाली, मैं चलाऊंगा क्या? नहीं छोड़ूंगा मेरी बाइक दो। सॉरी। चलो सब कुछ समझा दिया, ओके अब बाइक चलाओ। तो पीछे से पकड़े रहना, छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगा, बस तुम बैलेंस बनाए रखना, ओके। तो मोटू घसीटाराम का बाइक ट्रेनर बन गया है, ट्रेनिंग को थोड़ा और एक्साइटिंग बनाना तो मेरा फर्ज है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, आप मिश्रा जी घर पे हैं? मिश्रा जी? कौन मिश्रा जी? नहीं बड़े भैया, मैं तो कोई मिश्रा जी को नहीं जानता। मोटू तुम बाइक को पकड़े रहना, छोड़ना मत। बूढ़ी बाबा, मोटू तुम अगर वहाँ खड़ा है तो बाइक किसने पकड़ा है? हाथ तो गया। मार सुटिया बम्पर वाले, नो घसीटे ब्रेक लगाओ यार। घसीटाराम ब्रेक लगाओ। अमोनी, आपको ब्रेक के बारे में मोटू ने कुछ नहीं बताया, हम क्या करें? कैसे ब्रेक लगाए? जमीन पे कब गिर गए? अरे तभी जब तुम फोन से चिपके हुए थे। अरे तुमने बाइक को छोड़ दी। सॉरी पतलू, पर किसी रॉन्ग नंबर से फोन आ गया था, वो किसी मिश्रा जी के बारे में पूछ रहा था। पतलू, यहाँ फुरफुरी नगर में मिश्रा जी कौन है? अरे तुम्हें मिश्रा जी के बारे में जान के क्या करना है, तुम बस घसीटाराम को बाइक चलाना सिखाने के लिए कॉन्सेंट्रेट करो। मोटू, हमको तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुमने फिर से पीछे से बाइक को छोड़ दिया। तुम हमारे पीछे बैठ कर हमको सपोर्ट दो। अरे घसीटाराम, तुम भी कितना डरते हो। ठीक है, मैं पीछे बैठ कर हैंडल को सपोर्ट देता हूँ। ओके चलो। पिछली बार कुछ खास मजा नहीं आया, लगता है मुझे अपने तूफानी आइडिया में थोड़ा सा और फेर बदल करना होगा, यानी कि मिर्च मसाला मिलाना पड़ेगा। फोन बज रहा है, तुम चलाओ। हेलो, मैं फिर से वही रॉन्ग नंबर वाला बोल रहा हूँ, मिश्रा जी घर पे है? बड़े भैया मैं समझ गया कि आप वही रॉन्ग नंबर वाले बोल रहे हो, लेकिन मैं कोई मिश्रा जी को जानता तक नहीं, वो घर पे नहीं है। हाँ बूढ़ी बाबा, मोटू तुम्हारा हाथ कहाँ पर है? घसीटाराम रुको तो, मैं जरा फोन पे बात तो खत्म कर लूँ। तुम्हारा फोन पर बात खत्म होते होते कहीं हम ही ना खत्म हो जाए। बचाओ मोटू, हैंडल पकड़ो। अरे क्या कह रहे हो? अय्या अम्मा,
फोन बंद करो, बाइक सिखा रहे हो या फोन पे बातें कर रहे हो? उड़ी बाबा, मोटू ऐसा ही करता रहेगा तो पता नहीं हम कब तक बाइक चलाना सीख पाएगा। मोटू तुमने बहुत सिखा लिया, बहुत सिखा लिया, अब घसीटा राम को बाइक चलाना मैं सिखाऊंगा। ओके बस बस, अब क्या करोगे? आपकी फेंकी हुई गोटियाँ तो खत्म हो गयी। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। मैदान में मोटू हो या पतलू, जॉन डॉन किसी से भी नहीं डरता। अब मैं पर्दे के पीछे नहीं सामने से खेल खेलूंगा। घसीटा राम, सबसे पहले बाइक चलाते समय आगे रोड पर फोकस रखना। फोकस सही होगा तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। एक बार तुम्हारा डर निकल गया ना तो तुम खुद ही बाइक चलाओगे। चलो बैठो। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो हेलो हेलो, मैं फिर से वही रॉन्ग नंबर वाला बोल रहा हूँ। मैंने सुना है कि मिश्रा जी आपके दोस्त पतलू के बहुत अच्छे पहचान में है। अगर आप पतलू को फोन दे तो बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे मिश्रा जी का पता चल जाएगा। अच्छा, अच्छा, तो पतलू को जानता है? मैं अभी बात करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। अरे पतलू सुनो तो, रुको तो, पतलू तुम्हारे लिए फोन है। पतलू तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम मिश्रा जी को जानते हो, लो इनसे जरा बात कर लो। आगे से यहाँ फोन किया तो फोन में घुस कर मारूंगा। उड़ी बाबा, पतलू बाइक को रोको, रोको, रुक जाओ। मोटू तुम्हें चलती बाइक पर फोन पकड़ाने की क्या जरूरत थी? पता है ऐसी ही चलती गाड़ी पर बात करने से ना जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं। घसीटा राम, अब तुम्हें लेफ्ट राइट बाइक को टर्न करना सीखना है। ओके Well, अब एक राउंड फिर तुम धीरे धीरे अकेले प्रैक्टिस करो। ये देखो ये ब्रेक है, कुछ भी जरूरत हो तो अचानक से नहीं, संभाल कर ब्रेक लगाना। चलो शुरू हो जाओ। ऑल द बेस्ट यार। हेलो साहब, वरना गोली चल जाएगी। जल्दी बताओ मिश्रा जी घर पे है कि नहीं? बाबा बचाओ, मामूनी कौन मिश्रा जी, किधर का मिश्रा जी, हमको पता नहीं। घसीटा राम, अभी तुम एक्सपर्ट नहीं बने हो जो हाथ छोड़ के बाइक चला रहे हो। लाओ फोन मुझे दो और तुम दोनों हाथों से ध्यान से बाइक चलाओ, फिर ब्रेक लगाओ और रोको। की चीज है, इससे तुम बहुत बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हो। जो काम कार जीप से नहीं होता वो बाइक से कर सकते हो। जिस दिन हमारे जैसे बाइक एक्सपर्ट हो जाओगे ना, बाइक को हवा में उड़ाओगे, हवा में। ये मोटू पतलू बड़े बाइक के एक्सपर्ट बनते हैं, बाइक को हवा में उड़ाने की बात करते हैं। आज देखता हूँ ये कितने एक्सपर्ट हैं। आज अगर इनको नानी याद नहीं दिला दी तो मेरा नाम भी जॉन द डॉन है। जॉन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? दरअसल मोटू पतलू सोचते हैं कि बाइक से सब काम हो जाते हैं, उन्हें दूसरों की मदद का बड़ा शौक है ना। आज देखता हूँ वो बाइक से आपको बचा सकते हैं कि नहीं। मेयर साहब, मेयर
मेरे कब्जे में है और अगर उनको बचाना है तो एक बैग में 1 करोड़ रुपए लेकर घसीटा राम की बाइक से नदी के पार आ जाओ, नहीं आए तो समझो मेयर साहब खत्म। आज देखता हूँ तुम्हारी बाइक का कमाल। पतलू, अब तो मेयर साहब को बचाने का तुम ही कोई तरीका सोचो, क्योंकि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। चलो मोटू, उसे दिखा देते हैं बाइक का कमाल। जाओ मोटू पतलू, जाओ मेयर जी को चुड़ाओ और जॉन को पकड़ के मेरे हवाले करो। वाह, सोचो क्या करना है। भागना ही बेहतर है। आपने सोचा, हमने किया। थैंक यू मोटू पतलू। मेयर साहब आप बाइक पे आ जाओ, घर चलना है। अपने बॉस को उठाओ, ले चलो, उनसे कहो कि मिश्रा जी जेल में है। या।